राहुल गांधी की जिहड़ी भारत जोड़ो यात्रा उत्ते गल करा, जदों भी कल वो पंजाब च एंटर होए आ ते जिहड़ियां सियासी पार्टियां है वो कोई भी होवे, अकाली दल सब तो नीवें पद्धर ते डिगी आ, बीजेपी भी उहदे बिल्कुल बराबरी चल रही आ। ये 84 की गल करदे आ। ये देखो राहुल गांधी सब तो पहला यात्रा उन्होंने करन तो पहला गए कित्थे आ, श्री दरबार साहब, वो भी केसरी रंग की, जिहड़े साडे खालसे ने सानू रंग दिता केसरी रंग की पग बन के वो गए आ। तुसीं गल माफी की करदे हो। देखो मैं अज खास तौर पर राहुल गांधी की जिहड़ी भारत जोड़ो यात्रा उत्ते गल करांगा। जदों भी कल वो पंजाब च एंटर होए आ ते जिहड़ियां सियासी पार्टियां है वो कोई भी होवे, अकाली दल सब तो नीवें पद्धर ते डिगी आ, बीजेपी भी उहदे बिल्कुल बराबरी चल रही आ, आम आदमी पार्टी की चलो हजे एड्डी कोई गल नहीं गी, पर इन्हां नूं इह नहीं समझ आउंदी। ये 84 की गल करते। ये देखो राहुल गांधी सब तो पहला यात्रा उन्होंने करन तो पहला गए कित्थे आ, श्री दरबार साहब, वो भी केसरी रंग की, जिहड़े साडे खालसे ने सानू रंग दिता केसरी रंग की पग बन के वो गए आ। तुसीं गल माफी की करते हो। वो इंसान जिहड़ा दरबार साहब के मूहरे, गुरु ग्रंथ साहब जी के मूहरे पवित्र हमेशा ते कल भी जदों वो सिर झुका के हाथ जोड़ के जदों वो साढ़े गुरु के मूहरे खड़े सी ते उन्हां दी अंदरलियां भावना देखो तुसीं, वो की होणगियां, वो की गुरु तो जां गुरु दे नाल किस तरीके दी वो अपनी भावना नूं लैके आए आ। तुसीं मैं मन्नदा राहुल गांधी जी दी माफी आ उन्होंने मंगी, सोनिया गांधी जी ने माफ़ी मंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन च माफ़ी मंगी। ये कल्ला पंजाबियों नूं सानू नहीं दुख मिलिया, उन्हां नूं भी बहुत वड्डी तकलीफ हुई है इस चीज़ नाल जिहड़ा भी ये वापरिया। तो राहुल गांधी जी ने सीधा कहा है, उन्होंने कहा भी ये बहुत मंदभागा है, ये नहीं होना चाहिए सी, पर हुण जिहड़ा पिछे गल रह गई उहनूं किवें आपां लिया सकदे हां, जिहड़ी गल वो मुड़ सकदी आ, जे अगे जिहड़ा अपना फ्यूचर उहनूं किस तरीके नाल आपां संवारीए, फ्यूचर दे विच आपां किवें इहो जिहियां गल्लां साडे च ना होण, आपसी भाईचारा सांझ साडा बणिया रहे, किवें साडे देश नूं भारत नूं जोड़ के अगे वध सकीए, भी इहो जिहियां चीज़ां कदे ना होण। इस करके वो जख्म ने जिहड़े वो चाहे अपने सारिआं ते आ, वो जख्म गांधी परिवार से भी है, उन्होंने भी वह जख्म जिहड़े आ बार बार उन्होंने भी सताउंदे आ। इसे करके उन्होंने बार बार माफ़ी मंगी। तो राहुल गांधी ने जदों सैम पिट्रोदा साहब ने कोई ऐसी गल कई बार उदों ही उन्होंने कहा निजी भी इस गल की पिट्रोदा साहब माफ़ी भी मंगो, तो उन्होंने लंबा मैं नाल ही उन्होंने जिहड़ा ट्वीट वो मैं इस नाल थोनों जोड़ूंगा भी तुसीं उन्हों पढ़ सको। पर सोनिया गांधी जी ने आप, मनमोहन सिंह जी ने आप, तो राहुल गांधी जी ने आप, तिन्हां ने बार बार इस गल की माफ़ी मंगी आ, पर आपां माफ़ी मंग के वो पुरानी चीज़ां नूं वापस नहीं लिया सकते। अगे किस तरीके नाल चलीए, जिवें वो साडे गुरु दे, जिवें साडे गुरु ग्रंथ साहब जी दे मूहरे राहुल गांधी सिर झुकाई खड़े आ, हथ जोड़ी खड़े आ जिहड़ी भावना नाल, उस गल नूं देखो भी अंदरों वो की पश्चाताप कर रहे ने, की वह गल अगली सोच रहे आ, बई बार बार वो दरबार साहब आके फिर साडियां छोटियां जिंदां जिन्हां नूं सब तो दुनिया की महंगी जमीन जिहड़े साडे गुरु गोबिंद सिंह जी दे साडे छोटे लाल उत्थों उन्होंने मत्था टेक के अज सवेरे यात्रा शुरू की। ये लोग ने जिहड़े राजनीति करदे आ इन्हां नूं दिख रहा भी सारा पंजाब इस यात्रा च राहुल गांधी नाल जुड़ रहे आ, ते सारे इकट्ठे होकर हर चैनलों ते इसे गल का डिबेट कर रहे आ 84 84 84। इस गल ते मैं दोबारा स्पष्ट कर दिना बई ये तिना जाणियां ने इस गल की माफ़ी भी मंगी आ, ते उस गुरु के मूहरे हाथ जोड़ के जां गुरु मूहरे वो सिर झुकाई खड़े ने, इदों बड़ी गल कोई पग बन के हो नहीं सकती। इस करके मैं समझदा इस गल्लां नूं विराम देना चाहिए, तो अगला जिहड़ा फ्यूचर आ उहनूं किवें इकट्ठे रल के सवारीए उहदे वल ध्यान देना चाहिए। ये मैं मानदा ये जख्म ने जिहड़े इन्हां नूं जिन्ने करेदी जावांगे ये जख्म होर अले होणगे, इस करके सारे ही रल के इस जख्मां ते मलम लाइए। धन्यवाद।